हम सभी के बीच में वो राष्ट्र नायक जिन्होंने इतिहास बदलने का काम किया है, युग परिवर्तित करने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की वंदे वंदे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आज के इस कार्यकर्ता महाकुंभ की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को निवेदन करती हूं कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि वो पुष्प गुच्छ से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूं कि दोनों हाथ उठाकर हमारे राष्ट्रनायक हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। ये वो गौरवशाली पल है, क्षण है कि हम सभी के बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी को मार्गदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि आज जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत जिनके नेतृत्व में बनने जा रहा है, ऐसे सशक्त राष्ट्र के निर्माण में मातृशक्ति की सहभागिदारिता को अंकित करने का काम किया है। ऐसी मातृशक्ति सरपंच से लेकर सांसद तक हमारी उन सभी बहनों को मैं आमंत्रित करती हूं कि वो सभी बहनें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनको धन्यवाद प्रस्तुत करें एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा और बड़ी माला के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हमारी सरपंच से लेकर सांसद तक की वो सभी महिला प्रतिनिधिगण, हमारी पदाधिकारी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने जा रही है। मैं सभी बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो सभी बहनें एक बड़ी माला के साथ और अभिनंदन पत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। देखिए, ये वो क्षण, ये पल है, ये वो मात्र शक्ति है जिनको देश में नेतृत्व करने का अवसर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है। वो सभी मातृशक्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है, वंदन कर रही है। ये देश की वो आधी आबादी द्वारा किया जा रहा है वंदन, अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस देश की आधी आबादी पर, उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और इस सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका को, उनकी सहभागिदारिता को सुनिश्चित करने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की आधी आबादी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मातृशक्ति को। हम सब पूरे भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने समझा माँ का प्यार, उन्होंने दिया मातृशक्ति को अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन का विस्तार डिजिटल के रूप में हुआ है, ऐसे हमारे संगठन के, उसके पहले हमारे सभी बहनें प्रशस्ति पत्र के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि जिन्होंने समझा माँ का प्यार, उन्होंने दिया मातृशक्ति को अधिकार। ये प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सभी बहनें उनका स्वागत कर रही। मैं शंखनाद के लिए आप सबको निवेदन करती हूँ कि शंखनाद करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, वंदन हो रहा है मातृशक्ति के द्वारा। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करती हूँ
कि वो अपना संबोधन हम सब कार्यकर्ताओं को दे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। इस कार्यकर्ता महाकुंभ में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के आदर्श माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 देशों की अध्यक्षता सफलतापूर्वक दुनिया के इतिहास में करने के बाद महिलाओं के लिए 50% आबादी को नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बिल ला करके जो इतिहास बनाने का काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज भोपाल के लाखों लाख, मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करने आए हैं। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए। हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर आज मध्य प्रदेश के ये कार्यकर्ताओं की भूमि है। ये मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने वाले गरीब कल्याण के उन हितग्राहियों की, लाखों लाख हितग्राहियों की भूमि है, जहां आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गरीबों के जीवन बदलने का इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, ऐसे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर 25 जून को जब उन्होंने मध्य प्रदेश की इसी धरती पर कहा था, उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान लिया था और हमें संकल्प दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो 25 जून को कहा था, ये मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर इस कार्यकर्ता महाकुंभ में उपस्थित होकर के आपने जो कहा था उन कामों को, बूथ सशक्तिकरण के काम को लेकर जमीन पर उतारने का काम इन कार्यकर्ताओं की महाशक्ति ने किया है। आदरणीय भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मन में, हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 44 लाख अगर गरीबों को उन्हें मकान मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3,60,00,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का प्रीमियम इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी योजनाओं से मध्य प्रदेश की सरकार ने, लाडली बहना योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना, और इस मध्य प्रदेश के अंदर आज मैं आपको इस कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी आपने गरीबों के कल्याण के लिए जो महाअभियान शुरू किया है इस मध्य प्रदेश के अंदर, आपके प्रयासों से, केंद्र राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकारों के प्रयासों के कारण इस मध्य प्रदेश के अंदर 1,36,00,000